नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे अपनी उत्तराखंड की बोली और भाषाओं की। ठीक है कि यहाँ पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, वैसे तो जो ये हिंदी का प्रकार आता है, पहाड़ी हिंदी का प्रकार आता है, जिसके कि दो भाग हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गढ़वाली बोली की। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। ठीक है, जिससे कि आगे जो वीडियो अपलोड होंगी तो उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है, तो आज हम आगे बात करेंगे बोलियों की। ठीक है, पहले भाग में गढ़वाली रहेगा, दूसरे भाग में आपको कुमाऊनी की कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो बात हम करते हैं गढ़वाली की, तो आइए शुरू करते हैं। तो मुख्य रूप से वैसे 9 प्रकार की गढ़वाली बोलियों में डिवाइड किया गया है गढ़वाली। ठीक है, जिसमें कि दसौलिया, नागपुरिया, बधाणी, राठी, सलाणिया, टीरियाली, श्रीनगरी, मंचकुमैया और जौनसारियों में डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा जिला है। तो ये हमारा चमोली जिला है। ये मैंने जो ये सीमाएं बनाई हैं, ये पुरानी सीमाएं हैं, जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय उन्होंने पट्टी और परगनों के रूप में उत्तराखंड को बांटा हुआ था। तो ये जो आपको डबल डबल सीमाएं दिख रही होंगी वो हमारी पट्टी परगनों की सीमाएं हैं। ठीक है, ये हमारा टिहरी रियासत का था, तो यहाँ पे कोई भी पट्टी परगना नहीं थे ब्रिटिश हुकूमत की। ये हमारा कुमाऊं मंडल था, गढ़वाल मंडल में जो ब्रिटिश गढ़वाल था, ये वाला था, ये किसमें आता था, ब्रिटिश गढ़वाल। ये हमारा किसमें है, टिहरी रियासत का भाग। ठीक है, तो आपको देख रहे होंगे यहाँ पर ही पट्टी और परगने केवल इसी क्षेत्र में थे। अगले भाग में हम कुमाऊं मंडल की बात करेंगे, वहां पे कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं गढ़वाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से पट्टी परगने थे, पहले इन पे बात करते हैं, तब आपको थोड़ा सरल रहेगा आगे जाने। ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, क्योंकि वो उनके नाम के सिमिलर वैसी है। ठीक है, जैसे उनका पट्टी परगनों का नाम है, उन्हीं पर बोलियों का नाम भी रखा गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चमोली में। तो चमोली की जो राजनीतिक सीमा है अभी की और तब की कैसी सीमा थी वो अलग अलग है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले ये वाला, तो वो पैनखंडा था। पैनखंडा जो पट्टी थी या परगना था, पैनखंडा वो था। वहां की जो भाषा थी वो क्या क्या थी, दसोली और नागपुरी। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता था, दसोली। दसोली ग्राम स्वराज की आपने बात सुना होगा, जिसने की चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंडी प्रसाद भट्ट जी ने वो बनाया था। ठीक है, तो वो यहीं पे इसी क्षेत्र में वो बना था, इसलिए उसका नाम दसोली ग्राम स्वराज पड़ा था। ये हमारा नागपुर जो है, वर्तमान रुद्रप्रयाग और वर्तमान चमोली का जो भाग है, क्योंकि उस समय तो रुद्रप्रयाग था नहीं। रुद्रप्रयाग तो कब बना, 1997 में। अब ये चीज जो नागपुर है, ये हमारा किसमें है, चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में। ठीक है, अब उस समय वो चमोली में था तो चमोली में हम इसको मान भी चलते हैं, लेकिन वर्तमान रुद्रप्रयाग भी आएगा। अगर ऑप्शन में आपका रुद्रप्रयाग रहता तो ऑप्शन में रुद्रप्रयाग सही होता, क्योंकि ये प्रश्न अभी पूछा गया था एडीओ में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बधाण की। तो बधाण आपको पट्टी, बधाण पट्टी आपने सुना होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा है मेरे साथ तो उसमें मैंने एक चीज बताई होगी आप लोगों को, कि जो चंद शासक थे, गरुण ज्ञान चंद और बाज बहादुर चंद, वो यहाँ से नंदा देवी की प्रतिमा को अपने साथ लेके गए थे। जगत चंद ने भी हालांकि आक्रमण किया था, लेकिन उसको मूर्ति नहीं मिली थी, तो वो क्या ले गया, यहाँ से सोने के सिक्के ले गया, और उसने फिर उनको पिघलाकर ढलाया और फिर मूर्ति बनाई। ठीक है, तो ये जो बधाण पट्टी है हमारी, जिसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं, दसोली से, चांदपुर से। ठीक है, यहाँ पे बधाणी बोली बोली जाती है। पिंडर और अलकनंदा के बीच की जो घाटी है उसको हम बधाण पट्टी कहते हैं, तो उसी में हमारी बधाणी बोली बोली जाती है, जो कि कहाँ स्थित है, चमोली में। ठीक है, इतना। अब जो यहाँ से जो ये सीमा लगती है किससे, कुमाऊं से। बधाण की जो सीमा लगती है कुमाऊं से, यानी जो बधाण का सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर बोली बोली जाती है मंचकुमैया। यानी कि जिस गढ़वाली पर या जिस बधाणी बोली पर किसका प्रभाव हो, कुमाऊं का प्रभाव हो, उसको हम कहते थे मंचकुमैया। एक चीज यहाँ पे ये याद रखने वाली है कि मंचकुमैया कुमाऊनी का प्रकार नहीं है। किसका प्रकार है, गढ़वाली का प्रकार। ठीक है, गढ़वाली बोली का मंचकुमैया। और जो कि कहाँ पर बोली जाती है, जो चमोली का जो सीमांत जिला है, सीमांत एरिया है, जो बधाण का जो सीमांत, जैसे आपका ये देवाल हो गया इधर का, ठीक है ना, ये क्षेत्र ग्वालदम देवाल, ये क्षेत्र है, ये किस यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, मंचकुमैया। बात करते हैं हम चांदपुर की। तो चांदपुर में वैसे तो चांदपुरिया बोली जाती है, लेकिन वो मुख्य बोलियों में उसको डिवाइड नहीं किया गया। ठीक है,
तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र में भी नागपुरिया दसोली और दसोलिया और बधाण की बधाणी की जो बोली है उसका मिश्रित रूप यहाँ पे बोला जाता है चांदपुर। हालांकि वो तब का परगना था, जब ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पे तो चांदपुर एक परगना था। ठीक है, बात हम करते हैं पौड़ी में। पौड़ी में आपका परगना था मल्ला सलान, अल्ला सलान, गंगा सलान, यानी जो सलान क्षेत्र आएगा या सलाया बोली आएगी वो कहाँ पे बोली जाएगी, पौड़ी में। देवलस्यू पट्टी और बारस्यू पट्टी या जो देवलगढ़ का जो क्षेत्र है वो भी किसमें आता है, हमारा पौड़ी के अंतर्गत। अब जो टीरी और पौड़ी के जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर, यानी इसको क्या कहते हैं हम, श्रीनगर है यहाँ पे, तो उसको कहते हैं श्रीनगरी बोली। श्रीनगरी बोली को हम मानक गढ़वाली मानते हैं क्योंकि वो टीरी और पौड़ी के बीच का जो क्षेत्र है उसको मानक गढ़वाली, क्योंकि दोनों गढ़वाले का मिश्र है उसमें, मिश्रण टीरियादी का भी और इधर जो सलाणिया है या जो राठी बोली है उसका जो मिश्रित प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको मानक गढ़वाली हम मानते हैं। ठीक हो गया। अब जो ये क्षेत्र है यहाँ पर राठी बोली भी मिश्रित रूप से बोली जाती है, कहाँ पर, पौड़ी में। तो पौड़ी में हो गया सलाणिया और राठी बोली, ठीक है, दो बोलियां यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं टीरी की। टीरी में कौन सी बोली बोली जाती है, टीरिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टीरी में टीरिया इसी के नाम से उसकी बोली का नाम रखा गया। बात अगर हम करें जौनसारी की, तो जौनसारी हमारा तीन जिलों में बोली जाती है। पहला हमारा है उत्तरकाशी का जो पश्चिमी एक क्षेत्र है, ये मैंने लाइन यहाँ पे खींची हुई है। देहरादून का जो हमारा पछवादून वाला इलाका है या जो हनोल त्यूनी ऊपर डाक पत्थर विकास नगर, ठीक है ना, पछवादून का जो एरिया है वहां पर हमारा क्या बोली बोली जाती है, जौनसारी। और टिहरी का जो जौनपुर क्षेत्र है, ये जो इतना क्षेत्र है ये जौनपुर रमाई वाला क्षेत्र, ठीक है, इसमें भी हमारी कौन सी बोली बोली जाती है, जौनसारी, यानी कि जो मसूरी से लगभग लगभग लगता हुआ क्षेत्र है टिहरी का, तो ये क्या है, जौनपुर। तो यहाँ पर हमारी हो गई जौनसारी, ठीक है। बाकी हमारा बचा हरिद्वार और ये इतना देहरादून, तो यहाँ पर हमारा क्या है, हिंदी बोली बोली जाती है, क्योंकि हरिद्वार हमारा अलग हुआ है किससे, यूपी से, यूपी से, तो वहां पर क्या है, हिंदी बोली बोली जाती है। देहरादून का भी, हालांकि वहां पर ऐसा कोई वहां के जो मूल निवासी है उनका तो नहीं पता कौन थे, ठीक है, लेकिन जो पलायन के फलस्वरूप वहां पे बसे हुए हैं तो अलग अलग क्षेत्र के हैं, तो उनका सम्मिलित प्रभाव या उसको हिंदी ही मान लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनमें कहाँ कहाँ, आप भी बता सकते हैं आपको अगर समझ में आया हो। दसोलिया चमोली, नागपुरिया चमोली प्लस रुद्रप्रयाग, बधाणी चमोली, राठी पौड़ी, सलाणिया पौड़ी, टीरियाली टीरी, श्रीनगरिया या श्रीनगरी, मानक गढ़वाली तो श्रीनगर में, मंचकुमैया तो कुमाऊं और गढ़वाल के जो सीमांत क्षेत्र हैं या सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे मंचकुमैया, और जौनसारी हो गया हमारा उत्तरकाशी का ये वाला क्षेत्र, देहरादून का पछवादून और जौनपुर क्षेत्र टिहरी का, ठीक है। तो इतना ही है गढ़वाली में जो इसकी प्रकार हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुमाऊं का आएगा वो हम अगले भाग में डिस्कस करेंगे उस चीज को, ठीक है, फिलहाल हम इतना ही देखते हैं। बाकी आपने जो पहले वाले जो सीरीज है अगर वो नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लें आप, और एक बार सब्सक्राइब कर लें तो आपको जो नए वीडियो हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, तो आपका उसमें सही रहेगा, मतलब आपको नए वीडियो आपको एकदम से मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, या आप पूछते रहते हैं कि लिंक भेज दो सर ये वो, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ग्रुप में जुड़ना है ये वो, तो डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप का जो भी ग्रुप है उसका लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी हेल्प होगी आप कॉल कर सकते हैं मुझे, ठीक है, वहां पे लिंक से आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में, तो वहां कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो हमसे हेल्प होगी वो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमें भी सब कुछ आता है या बहुत कुछ आता है, ऐसा भी नहीं है, जितना आता है वो हमने बताया, जिस किसी को कुछ आता होगा इससे एक्स्ट्रा तो वो भी बताए हमें, तो उसको भी हम ऐड करेंगे अगले उसमें, ठीक है। तो ये कुमाऊं का हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए उसको, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों का भी भला होगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम भी हैं, कनिष्ठ सहायक का है आपका, ये इसका वनारक्षी का तो होगा जब भी होगा, और अभी वीडियो का भी है कुछ बच्चों का, तो ये है कि आपको मदद करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बोली से रहता ही है प्रत्येक पेपर, आप प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, अभी का जो अधीनस्थ चयन आयोग करा रहा है पेपर, उसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा बोली का, ठीक है, और वो यहीं कहीं से पूछा जाएगा, अलग से बाहर से नहीं आएगा, क्वेश्चन बना देगा कि कौन सी इसमें से गढ़वाली का भाग नहीं है, तीन इसे यहां से दे देगा, एक कुमाऊं से दे देगा, या कुमाऊनी का पूछ लेगा, तीन यहां से दे देगा, एक यहां का मिला लेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मैप से आपको बेटर समझ में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से,
ठीक है। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।